वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आई होप आप लोग सब भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं क्या बना रही हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रोज रोज क्या बनाना, राइट। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन निजामी ग्रेवी। चलिए आज हम बढ़िया सी ग्रेवी बनाते हैं चिकन की। वैसे कुछ चिकन की ग्रेवीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां चेक कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग बहुत कंजूस होते जा रहे हो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्विकली यहाँ पर मैं सबसे पहले हम ना मैरिनेट करेंगे। तो ये 1 किलो तक की चिकन है, इसकी मैंने चर्बी निकाल ली 2-3 पानी से धो के नितार के अच्छे से। जब हल्की सूख गई तो मैंने ये बाउल में डाल दिया बड़े से। अब इसमें मैं मसाले सारे डालती हूँ और इसे मैरिनेट करने रखती हूँ आधे 1 घंटे के लिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर ना मैंने 40 बादाम को थोड़े से पानी में, गर्म पानी में डाल दिया है। 10-15 मिनट के लिए रखूंगी ना तो वो ऊपर की जो स्किन है आराम से निकल जाएगी। तो जब तक हम मसाला लगाते हैं, इसे मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में रहने दिया। जब तक मसाला लगेगा उसके बाद मैं इसका कर लूंगी, ठीक है ना। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैं 2.25 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ, आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 1 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके साथ साथ 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 500 ग्राम गाढ़ी दही फेंटी हुई डालिएगा। और जो दही है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही डालिएगा, रूम टेम्परेचर पे डालिएगा। 2 टेबलस्पून असली घी और इसके साथ साथ डाल दीजिए 3.5 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से जाफरान के कतरे स्ट्रैंड्स डाल दीजिए जाफरान के। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए जिसे आप हरा धनिया कहते हैं और मैं 1/2 छोटा नींबू डाल रही हूँ उसका रस, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। ये है 1/2 कप घर में बना हुआ बिरिस्ता, इसे मैं हाथों की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो बाजार के भी ले सकते हैं, घर के बना हुए की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने ढक कर आप चाहें तो फ्रिज में या साइड पर रख दें तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। चलिए तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट करने रख दिया 1/2-1.5 घंटे के लिए। अजान आवाज थोड़ी कम करो तो तुम्हारे म्यूजिक की। और ये है 8-10 काजू मैंने लिए हैं, इसे साइड पर रख रही हूँ। और ये जो मैंने थोड़ी देर भिगाने रखा था ना, इसको क्विकली इसके छिलते निकाल लेती हूँ। चलिए ये बादाम जो है ये सारे मैंने छील लिए हैं और ये दोनों बादाम और काजू दोनों को मैं पीस लेती हूँ। आप चाहें तो अब यहाँ हरी मिर्ची डाल के आप पीस सकते हैं, बट मैंने लाल मिर्ची का पाउडर इसमें बराबर से ज्यादा डाला है इसके लिए मैं डाल नहीं रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों चीज को मैं थोड़ा सा पानी डालकर, आप चाहें तो दरदरा पीस ले, आप चाहें तो एकदम पेस्ट टाइप बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। निजामी चिकन निजामी ही रहेगा अगर आप बारीक भी पीसोगे या आप थोड़ा सा दरदरा पीसोगे, उसके टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों डाल के थोड़ा सा हल्का पानी डाल के हल्का इस बार दरदरा पीस रही हूँ। तो ये गया मेरा बादाम, 40 बादाम और ये काजू और हल्का 1/4 कप जितना पानी और मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए दरदरे में इस तरीके से थोड़ा दरदरा है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे साइड पर रख दूँ और अभी हम इसका कर लेते हैं ग्रेवी का क्विकली। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, वैसे मैं ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि निजामी है तो बढ़िया से तरी वाला भी बनना चाहिए ना, तो आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डालिएगा। चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर। ये 2 तेज पत्ता है, 8-10 काली मिरी है, 3-4 हरी इलायची, 2 बड़ी डंडी दालचीनी की, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा और ये 2 बादियान है, 1 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग। ये सारी चीजों को डाल दीजिए फास्ट आंच पर, तड़तड़ा जाने दीजिए, साइड पर ये रेडी रखिए। जब तड़तड़ा जाता है तो ये जो हमने मैरिनेट करी हुई चिकन रखी है सारी मैरिनेशन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी डाल दीजिए। सारा मसाला भी डालिएगा, जो भी चिटका हुआ बर्तन के अंदर हो वो सारा ले लीजिए।
मिक्स कर लीजिए और इसे मीडियम आंच पर पकने दें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तब तक क्या होगा, जो दही है उसका पानी छूटेगा, चिकन कलर चेंज करेगा और हल्का सा मसाला भी भुना जाएगा तब तक। तो ये सब चीज़ होने के लिए हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। मीडियम आंच ही रखिएगा और आप देखेंगे 6-7 मिनट के अंदर ही तेल भी ऊपर छूटने लगेगा और ये जो दही है वो अच्छे से भून जाएगी। तब तक आप इसे बार बार चलाते रहें मीडियम आंच पर। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, ये जो दही थी वो भी हल्की हल्की सूख रही है, उसका पानी भी सूख रहा है और चिकन का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर वो जो हमने दरदरा पीसा हुआ हमारे जो काजू है और बादाम है वो डाल दीजिए। मैं हल्का सा इसे पहले तो मिक्स कर लेती हूँ और चख लेती हूँ। आपको नमक कम लगे आप नमक डाल दीजिए, मुझे हल्का सा हरी मिर्ची कम लग रही है, कलर भी कम लग रहा है और स्पाइस भी कम लग रहा है, तो बेस्ट है कि मैं कलर डालूँ। उससे बेटर है लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूंगी मेरी वाला, तो वो स्पाइस भी एडजस्ट कर देगा और कलर भी एडजस्ट कर देगा। तो यहां मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाल दिया है और मिक्स कर लेती हूं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, नमक भी मुझे हल्का कम लगा, मैंने वो भी एडजस्ट कर लिया। मिक्स कर लीजिए। मेरी पतली ना थोड़ी छोटी है और बाहर उड़ रहा है, तो मैं हल्का सा स्लो कर देती हूं आंच को। और यहां पर आधा कप मलाई ले लेती हूँ, मैंने बाजार की मलाई ली है, आप चाहे तो घर की हमारी जो ऊपर दूध के ऊपर की जो मलाई आती है उसे लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए या मिक्सर में पीस कर इसमें डाल दीजिए। अब चूल्हा कर देती हूँ मैं मीडियम आंच और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो इसे ढक कर स्लो आँच कर दीजिए और तकरीबन समझिए ना 15-16 मिनट तक पकने रख दीजिए। मेरी नॉनस्टिक पतीली नहीं है तो मैं बीच में 15 मिनट के बीच में एक बार इसे खोलकर चला लेती हूँ, नहीं तो कुछ ऐसा ना रहे कि नीचे चिटकता रहे और हमें पता भी ना हो, तो एक बार चला ली और इसे ढक कर पकने रहने देती हूँ। साइड बाय साइड आसान घर पर है, उसकी छुट्टी है तो वो क्या कर रहा है मालूम है, कार्टून देख रहा होगा या फिर मुंह से जो गाना गाता है वो मुंह से कुछ ना कुछ म्यूजिक बनाते रहता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उसे बोला कि जरा अपनी म्यूजिक बंद कर मुंह से, मुझे कुछ काम करने दो, तो बस अभी मैं इसको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ सो दैट ये टीवी और म्यूजिक के बजाय कुछ और भी करे और टाइम उसका थोड़ा सा यूटिलाइज हो। तो बस ये कंप्लीट करके मैं फिर से वापस किचन में घुसूंगी। हम घर की हाउसवाइफ्स हैं तो हाउसवाइफ्स को तो हर चीज देखनी पड़ती है, तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए पहले तो कितना प्यारा सा कलर आया है निजामी मुर्ग का हमारे। अब इसमें मैं चेक कर लेती हूँ नमक, टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिएगा, पर मेरा एकदम परफेक्ट है। मैं चिकन चेक कर लेती हूँ, मेरी छोटी है तो ऑब्वियसली गल चुकी है, अगर आपकी गली ना हो तो आप 2-5 मिनट और ढक कर स्लो आँच पर रहने दीजिएगा। आपने देखा हमने एक भी कतरा पानी का नहीं डाला और उसी में ही हमारी कितनी बढ़िया सी इजी क्विक चिकन निजामी बन गई और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। यहाँ पर साइड पर मैंने 5 मिनट पहले कोयला जलाने रख दिया था बढ़िया सा। अब ये जब कोयला अच्छा लाल हो जाता है तो एक प्याली रखिए आपके ग्रेवी के ऊपर और ये जो साइड पर हमने कोयला जला के रखा है वो भी डाल दीजिए इसके स्टील बाटी के ऊपर। क्विकली उसके ऊपर डाल दीजिए तेल घी या मक्खन और इमीडिएटली ढाक दीजिए, उसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए। मैंने 5 मिनट के लिए रखा था और इसे अब मैं निकाल कर ये कोयले को फेंक देती हूँ और बढ़िया सी मेरी ग्रेवी बन चुकी है। आप चाहें तो ज़्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कम समय के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक दो बात शेयर करना चाह रही थी कि आप मिर्चियां अपने स्वाद अनुसार डालें। आपने देखा मैंने मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, हरी मिर्ची का, बट आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा पीसने में डालिए या फिर एंड में जब मैं अभी कोथमीर डाल रही हूँ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, उसके साथ आप एक हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल दें। अच्छा, यहाँ पर साइड पर मैंने थोड़ा सा सैलड बना के रखा है, सैलड के साथ बढ़िया सा मैं इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे बटर नान की हमारी रेसिपी 100K के ऊपर हो चुकी है, आप वो चेक कीजिए, बहुत ही मजेदार बनती है। उसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपके लिए डाल देती हूँ। अच्छा, पराठे की भी लिंक्स है, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। और हाँ, डूंगा जो डांडा हमने एंड में दिया, आप चाहें तो ना दें, आप चाहें तो आपकी मर्जी दे दें। मैंने 4-5 मिनट का दिया था, आपको इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है डांडे के साथ, आप डांडे का समय बढ़ा दें। जैसे आपने ये ढक के रखा, मैंने 5 मिनट रखा था, आप 10-12 मिनट भी रख सकते हैं। मैंने कम समय रखा क्योंकि मुझे हल्का सा फ्लेवर चाहिए था, तो मैंने तो 5 मिनट के लिए स्मोकी फ्लेवर दिया था। अब आप चाहें तो कम या ज्यादा वो भी आपके हिसाब से कर सकते हैं, टोटली स्किप भी कर दें।
अच्छा आप चाहें तो एंड में जब आप कोथमीर जो हरा धनिया और हरी मिर्ची अगर आप डाल रहे हैं या कोथमीर ही सिर्फ डाल रहे हैं हरा धनिया उस समय उससे पहले आप थोड़ा सा आधा या एक टीस्पून जितना केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। हम ज्यादा उतना प्रेफर नहीं करते हैं केवड़े का जो एक खुशबू होती है वो हमें उतनी मजा नहीं देती और हम नहीं खाते हैं और ना ही डालते हैं। आप चाहें तो निजामी में डेफिनेटली आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब की जो पंखड़ियां आती हैं कुछ आप जब मैरिनेट करते हैं उसमें डाल दें। फिर जब अगर आप पंखड़ियां डाल रहे हैं गुलाब की तो आप फिर इसके अंदर एसेंस वगैरह मत डालिएगा। और हाँ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बनाइए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए सर्विंग के टाइम पे और थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए हमारी दम निजामी चिकन को या दम निजामी मुर्ग कहिए या स्मोकी निजामी मुर्ग कहिए चिकन कहिए ग्रेवी कहिए। लेकिन बढ़िया सी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगी लग रही है और देखने में तो अच्छी है टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और बहुत ही सिंपल है इजी। देखे आपने कितनी झटपट बन गई। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय।